हे गाइस, वेलकम टू वियाना व्लॉग। सो आज है जन्माष्टमी। एक्चुअली जन्माष्टमी तो आज है, बट ये जो वीडियो है मैं पहले बना रही हूँ बिकॉज ऐना और आरुष के स्कूल में जो है वो फंक्शन है और इनको ये एक्टिविटी दी गई है कि इन लोगों ने, आरुष ने जो है कृष्ण बनना है और ऐना ने जो है राधा बनना है। सो लेट्स वॉच। अभी यहाँ मैं ऐना को रेडी कर रही हूँ। सो आज गाइस ऐना का खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐना जो है बहुत ज़्यादा खुश है और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही है मुँह में। सो गाइज लेट्स वॉच हर वीडियो, ये क्या क्या बोल रही है। आप भी इंजॉय करो इसके साथ, मैं तो इंजॉय करती ही हूँ, मैं तो देखती हूँ ये क्या क्या करती। एंड गाइस जैसे कि आप देख रहे हो ऐना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कितनी ज़्यादा मस्ती मार रही है, खुश हो रही है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोग बोर ना हो जाओ, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा स्पीड अप कर दिया सो दैट कि मुझे तो काफ़ी टाइम लग रहा था इसको रेडी करते बिकॉज एक एक चीज़ मुझे सर्च करनी पड़ रही थी कि मैंने रखी कहाँ पर। एक्चुअली याद भी नहीं रहता है, मैंने पहले से ही रात को ही हर चीज़ें अरेंज करके रख रही थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें लाइक पिन हो गई, सेफ्टी पिन, हेयर पिन वगैरह, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कहीं रखी होती हैं और वो भूल जाती हैं। और इनको पूरी स्किन केयर भी करनी पड़ती है बिकॉज यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखो ऐना का कॉम्प्लेक्शन भी कितना ज़्यादा डार्क हो गया है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके अरेंज करके रखनी पड़ती हैं सो दैट सुबह इतनी प्रॉब्लम ना हो। और ये देखो, दिस इज़ द फाइनल लुक। ये मैंने ऐना को आईलाइनर भी लगा दिया था और लिपस्टिक भी लगा दी थी, तो सीरियसली बहुत खुश होती है जब भी इसको लिपस्टिक लगाते हैं। तो मॉर्निंग में यूजुअली मुझे देखती है रेडी होते, तो इसका भी बड़ा ज़्यादा मन करता है कि मम्मा मुझे ये भी लगा दो, वो लगा दो। हालाँकि मैं इतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लिपस्टिक तो लगानी ही पड़ती है। तो ये उसको देख के इसको लिपस्टिक का ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इवन कि ये मेरे से भी ज़्यादा इसको क्रेज़ है, ये आई शेडो लगाने का भी, ब्लशर लगाने का, ईच एंड एवरीथिंग। इसको पता नहीं कितना है ये चीज़ें, आई डोंट नो, बट ये वेरी हैप्पी जब ये पूरा फुल ऑन मेकअप करती है। और यहाँ पे आरुष साहब है, ये मैंने रेडी कर दिया था इसको और ये इसको स्टैप पकड़ा हुआ है, मस्त है इसको। और कुछ टेंशन नहीं होती है कि क्या करना है, बस आना जो है वो फुल ऑन तैयार हो रही है। यहाँ से देखो मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था और अब मैं इनको लेके जा रही हूँ स्कूल, तो आज है इनके स्कूल में फंक्शन। तो ये दो तीन दिन पहले जो है ये फंक्शन वहाँ पे होना था बिकॉज इनको जो है जन्माष्टमी पे छुट्टी दी। और देखो ऐना यहाँ पे शुरू कर दिया डांस, देखो इसने इतना अच्छा ये रैंडम डांस किया हुआ, मैंने इसको कुछ नहीं बोला था, इवन कि मैं इसको बोल रही थी कि ना प्लीज़ स्टॉप इट, स्टॉप इट, खड़े हो जाओ, सो दैट कि मैं दोनों को खड़ा करके अच्छे से छोड़ना था। उसके बाद चले जाना था, तो इनके
अच्छे से सेटिस्फाई होकर मैंने इनकी काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। और ऐना जो है इसको तो कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, और देखो आरुष भी इसके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें फॉलो अप कर रहा है ये भी इसको। तो बस यहाँ से अब हम निकल गए थे स्कूल के लिए, और मैंने बच्चों को बिठाया हुआ था, मैंने यार चुपचाप करके बैठो यहाँ पे सो दैट कि आप लोगों का जो मेकअप है जो गेटअप है वो ख़राब ना हो, तो जल्दी से यहाँ से हम अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने भी इसमें व्लॉग में ऐड कर दी, ताकि मैंने सोचा कि चलो यार आप लोग भी देखो तो मेरी मेहनत का जो है कुछ तो फल आया कि इतनी अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया। और यहाँ पे देखो आरुष जो है सबसे डिफरेंट लग रहा है, आरुष ने जो है रेड कलर का मैंने इसको कुर्ता पजामा लगाया हुआ है, और ये भी देखो बच्चों के साथ पीछे डांस कर रहा है, और इसकी भी हाइट जो है टच वुड बहुत अच्छी है, तो सबसे पीछे ये भी खड़ा हुआ है अपनी क्लास में। और ये देखो ऐना की प्यारी सी पिक्चर जो है मैंने इसमें इंसर्ट की हुई है, और ये आरुष की क्लास की, और यहाँ भी आरुष अपनी क्लासमेट्स के साथ है। और ये है दिस इज़ द फाइनल डे, जो आज जो है जन्माष्टमी है, तो आज जो है इनके स्कूल में छुट्टी है, बट इनके जो क्रश में है यहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाली है। और देखो हम पहुँच गए यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो है मैंने इनको लाया हुआ है, और यहाँ पे भी ऐना आरुष खड़े हैं, और सब भी इतने अट्रैक्ट हो रहे थे इनको देख के, सभी इतने खुश हो रहे थे, बोल रहे थे कि मैम हमसे पिक्चर वगैरह क्लिक कराने दो, मैं लेट हो रही थी, मैं कहने यार मुझे जाना है। तो बस सो गाइज दिस इज़ द ग्लिम्सेज ऑफ टूडेज फंक्शन, और यहाँ पे देखो है ना आरुष जो है वो डांस कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि ये भी थोड़ी सी वीडियो जो है मैं इंसर्ट कर देती हूँ सो दैट कि आप लोग भी इंजॉय करो कि है ना आरुष जो है कितने अच्छे से इंजॉय करते हैं हर एक फेस्टिव। सो बच्चों के लिए तो हर चीज़ें करनी पड़ती हैं नो डाउट, मुझे तो इतना मन नहीं था, फास्ट तो मैंने रखा हुआ था, बट मंदिर वगैरह मैं कहीं गई नहीं आज, बिकॉज आज मुझे छुट्टी थी नहीं, और ना ही मैं स्पेशली गई कहीं, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि मुझे तो इतना मतलब सेलिब्रेट तो करना नहीं है, मन नहीं है, बट हाँ बच्चों के लिए करनी पड़ती है चीज़ें जो ज़रूरी भी हैं, बिकॉज दे डोंट नो ना कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम इस वक्त खुश हैं दुखी हैं, इनको कुछ नहीं पता है, तो इनके लिए हर चीज़ करनी पड़ती है, तो ताकि ये लोग अच्छे रहें खुश रहें। और ये देखो यहाँ पे सभी बच्चे जो क्रच में जितने भी और पेरेंट्स के बच्चे हैं वो यहाँ पे ही रहते हैं, और फुल डे इन्होंने अच्छे से इन्जॉय किया है, और हमारे साथ क्रच वाली टीचर्स ने ये कुछ क्लिप्स जो हैं वो शेयर की हुई हैं। सो ओके गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।